डॉक्टर नेमिचंद शास्त्री बालिका उच्च विद्यालय में प्रथम छात्रा समागम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर सीपी जैन, कावेरी मोहन के अलावा विद्यालय की प्राचार्य इंदु कुमारी और अन्य छात्राओं ने संयुक्त रूप से दीपक जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ में आगत अतिथियों का स्वागत भाषण डॉक्टर सीपी जैन ने किया, जबकि सावित्री अस्थाना के चित्र पर लोगों ने माल्यार्पण किया। काफी ही बीते हुए पल को सभी छात्राओं ने याद की और सुनहरे पल के लिए सभी एक दूसरे को बधाई भी दिया और कहा कि इस प्रकार की छात्रा समागम से भाईचारा प्रेम में बढ़त होती है, बढ़ावा मिलती है। हम लोग कहीं और शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे होते, बट आप लोगों के अथक प्रयास और आप दुए को आज यहाँ अपने बीच पाकर हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है। आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। जिस तरह हमारे समय में भी शिक्षा का अलग जत्था था और परचम लहराते थे हम लोग, उसी तरह आप लोग आज सामाजिकता का जैसे हराश हुआ है, काल और प्रतिष्ठा का हराश हुआ है, उसका कुप्रभाव हमारे विद्यालय पे ना पड़े और अभी भी विद्यालय पूर्व के भांति शिक्षा का अलग जगाता रहे, ये मेरा आप लोगों के लिए पूर्ण विश्वास है। मैं आप सभी का भी स्वागत करती हूँ। अंबर हो जाएगा अनुमान नहीं था। आज सबके जज्बों को नमन करती हूँ मेरे मित्रों, कार्यक्रम इतना सफल हो जाएगा जिसे सभी छात्राओं का, बहनों का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने बीच अपनी सभी सीनियर बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति में संभव हो पाए इसी आशीर्वाद के साथ ही का जो ये कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होने जा रही है। और एक बड़ा ही अच्छा श्लोक है, मैं यहाँ बहुत गम्भीर